आगरा के खीरागढ़ तहसील परिसर में बीते करीब एक माह से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर अधिवक्ता बैठे हैं। सोमवार को अधिवक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर ताला लगा दिया, जिस पर एसडीएम ने कार्यालय के बाहर कुर्सी डलवाकर फरियादियों की जन सुनवाई की। वहीं पूरे मामले को लेकर एसडीएम ने कहा कि अधिवक्ताओं से बाहर से वार्ता चल रही है, जल्द से जल्द समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। खीरागढ़ के अधिवक्ता अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 2 जून से हड़ताल कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह धरना प्रदर्शन लगातार बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। सोमवार को धरना प्रदर्शन पर बैठे अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में संपूर्ण कार्य का बहिष्कार करते हुए सभी कार्यालयों की तालाबंदी कराई। एसडीएम आईएएस डॉक्टर पूजा गुप्ता ने अपनी कुर्सी बाहर डलवा कर फरियादियों की जन सुनवाई की, जिसपे ये उनका एक चल रहा है, विवाद चल रहा है हमारे बीच में, उनके बीच में, और इस पर हम लगातार वार्ता करी जा रही है और हम संपर्क में भी हैं वकीलों से, क्योंकि अभी कुछ हमारे 10 से 12 का हमारा समय रहता है लोगों को सुनने का, जन सुनवाई करने का, इसीलिए बहुत लोगों की भीड़ होते हुए इसलिए हमने सुन लिया है कुछ लोगों को। आज अभी कुछ प्रार्थना पत्र ले लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबी लाइन लग गई थी और काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे जन सुनवाई के लिए, और आगे वार्ता करके इसको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जाएगी। वकीलों की क्या मांग है, किस प्रकार की हड़ताल होनी चाहिए? उसमें कुछ हमारी डिमांड्स हैं, जिसमें पानी की कुछ डिमांड्स हैं, कुछ कार्यालय की जिन डे टू डे के डिमांड्स हैं, और कुछ ट्रांसफर्स को लेकर भी डिमांड्स हैं। इन सभी सूत्रों पर हम लगातार वकीलों से बाहर से संपर्क में हैं और उम्मीद है कि जल्दी इसका एक सोल्यूशन निकल आएगा।